ये एक बच्चा जो मेरा अभी भौसले से बाहर आ गया है, उस बच्चे को दाना खिलाने के लिए या उसका जो नर है वो आ रहा है। देखो किस तरीके से एक बजीस के बच्चे को, बजीस का मेल कैसे दाना खिलाता है, देखिए हमने अपने उसमें से निकाला, वो नीचे आएगा पहले। देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चे जो बाहर आ जाते हैं तो नर नहीं खिलाता है, उसके बाद भी नर अपने बच्चों को खाना खिलाता है। देखिए वो नीचे आया, उसने अपने मुँह से खाना निकाला और फिर अपने बच्चों को खाना खिला दिया। अब ये इस तरीके से चिल्लाते हैं ये अपने नर को बुलाने के लिए। देखिए ये देखिए, अभी देखिए वो नर अपना, मतलब जो नर है इसमें बहुत उसका अहम भूमिका होती है बजीज के, उसमें बच्चों को पालने में। और ये देखिए इस तरीके से वो, ये अब ये इसका जो नर है अपने मुँह में से खाना निकालते हुए और ये उसके मुँह में डालते हुए, ये देखिए अभी प्रॉपर तरीके से। देखिए ये मेरा अभी दरवाज़ा खुला हुआ है, ये मेरे को थोड़ी सा देखना भी पड़ना है। और ये इधर फिर वो दोबारा खाना खाने की चले गया, वो खाना खाते रहेगा और ये इस तरीके से उसे खिलाते रहेगा। और जैसे जैसे वो बच्चों को, एक बच्चों को खिला देगा चले जाएंगे, वो बच्चे कोने में चले गए, क्योंकि बच्चे चार बच्चे बाहर आए थे और उन चार बच्चों ने इस तरीके से अपनी जगह कवर कर ली और वो इस तरीके से एक कोने पर जाके बैठ जाते हैं। अब ये नर बुलाएगा थोड़ी देर, ये देखिए ये जितने भी ये शैतान बच्चे, घर के बच्चे हैं, ये भी एक घर का बच्चा है, वो भी जो बैठा है घर का बच्चा है। और ये आज मैंने इन्हें अंडा दिया है, इस तरीके से बॉईल करके अंडा भी दे सकता हूँ। ये देखिए आज मैं ये फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ खाली बेसिकली एक डालने के लिए कि मेरी बच्ची किस तरीके से एक्टिव रहती हैं। ये देखिए प्रॉपर बच्चे बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये देखिए फिर इसने ये मेल बुलाएगा, ये देखिए, ये दिखाता हूँ आपको, ये मेल बुला रहा है बच्चे को मेरे खाने खाने के लिए। चलिए ये खाना खाने के लिए बुला रहा है, ये खाना खाने के लिए बच्चे को बुला रहा है और वो अंदर नीचे खाना खा रहा है। देखिए ये देखिए, ये एक बजे बच्चा भी मेरा घर का तैयार है, मेल है ये, और बहुत ही शैतान मेल है भाई। अभी मछली भी मेरी और सिलेक्ट होने लग गई है। ये देखिए ये घर की मांगी थी मैंने, मेरी मेरी बच्चा चले गए। मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके से मैं इन्हें अंडा भी देता हूँ कई बार। फिर मैं जाड़ों में दो बार अंडा दे देता हूँ मैंने, जिससे कि गर्म रहे, गर्मी रहे क्योंकि ठंडा भी होता ही है मौसम के मौसम। ये देखिए ये सुनने लिए घर के बच्चे हैं मेरे, ये घर के बच्चे हैं, ये दोनों घर के बच्चे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप आपके वजीज आपसे सेट होने चाहिए, वो उन्हें आपसे डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी वजीज को आपसे डर नहीं लग रहा है तो आपके सामने मैटिंग करेंगे, बच्चों को नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो कहते हैं कि नहीं उनको सेपरेट चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ वो आपसे डरते नहीं है, उन्हें आपसे कोई डर नहीं है। अगर वो आपसे डर नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि वो मैटिंग नहीं करेंगे, वो प्रॉपर मैटिंग करेंगे, आपके सामने मैटिंग करेंगे और आप उन्हें दाना देंगे, दाने के लिए भी आएंगे। और ये इतने समझदार होते हैं कभी कभी तो खुद बताते हैं कि हमें पानी चाहिए। ऐसा भी मैं एक वीडियो डालूंगा नेक्स्ट उसमें कि जब इन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो मैं कैसे पता लगा फाइंड आउट करता हूँ कि इन्हें पानी की ज़रूरत है। ये देखिए वो जो नीचे, और कुछ बच्चे मेरे ये इस टाइप से अभी छोटा सा, अभी मेरे इसमें से चार पांच बच्चे आए थे तो मैंने अभी इसमें से दो बच्चे मेरे बाहर चले गए, अभी दो बच्चे इसके अंदर हैं। बच्चे इसके अंदर हैं, उनके भी पर पूरे नहीं निकले, तो जब इनके भी पर पूरे निकल जाएंगे तो ये भी बाहर चले जाएंगे। ये थोड़ी इनकी ग्रोथिंग थोड़ी स्लो है और इनके जो पर है पर भी कम आ रहे हैं, मैंने एक्चुअली देख रहा हूँ, बट इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। वैसे जो इनकी फीमेल है वही इन्हें खाने खिलाएगी, मेल है खाना खिलाएगा। और ये देखिए प्रॉपर खा रहे हैं, ये मेरी फीमेल है, इसने बच्चे बनाए थे, इसने बच्चे बनाए थे। इसी के बच्चे थे वो जो मैं आपको दिखा रहा था, इसी का मेल था जो आपने देखा बच्चों को खाना खिला रहा। और ये अभी एक तैयार हुआ है बच्चा,
ये दोनों का जोड़ा लगा है, घर का ही बच्चा है, मैटिंग हो रही है उनकी। शुरू में नए हैं तो उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है। दोनों फीमेल हैं, ये फीमेल है जो छोटी वाइट वाली है, वो मेल है। इनमें फीमेल और मेल का बहुत इजीली पता लग जाता है बच्चे में। अगर फीमेल होगी तो उसकी जो मज़ल्स देखिए वाइट होगी, और उसका जो मेल होगा उसका ब्लू टाइप का होता है उसके पेपर।